हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एसएससी सीएचएसएल 2018 के एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में। ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बहुत ही डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे गुड अटेम्प्ट की भी, एवरेज अटेम्प्ट की भी बात करेंगे कि इस बार जो एग्जाम स्टूडेंट दे रहे हैं तो उनका कितना एवरेज और गुड अटेम्प्ट रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक डाटा दिखाऊँ कि देखिए, जितने भी शिफ्ट अभी तक एग्जाम हुए हैं 1 जुलाई 2019 से लेकर, उसमें जिस हिसाब से स्टूडेंट का अटेम्प्ट रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो आपको 76 के बीच और 80 के बीच में ही रहा है। ठीक है, एवरेज की बात करूंगा। और उनमें से भी जिन बहुत सारे गुड अटेम्प्ट हैं जो कि आपको 75 से लेकर 85 प्लस के तक में है, और जिनका भी इनके ऊपर में अगर 90% एक्यूरेसी के साथ है, तो डेफिनेटली इस बार के सीएचएसएल के हिसाब से उनका बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा आएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए और कुछ बात करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जिस हिसाब से क्वेश्चन का लेवल की बात करें, अगर प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 2016 में इजी थे, 2017 में भी इजी थे, और 2018 में इजी तो थे लेकिन आपको मॉडरेट लेवल तक के भी क्वेश्चन थे, क्योंकि इस बार चार सेक्शन था, रीजनिंग था, मैथ था, इंग्लिश था और जीके। ठीक है, रीजनिंग में और की मतलब जैसे कि 2016 के बाद करें, 2017 के बाद करें, तो जिस हिसाब से स्टूडेंट एकदम तेजी से बना लेते थे 10 से 12 मिनट के अंदर में, इस बार थोड़ा सा रीजनिंग जो है वो थोड़ा लेंदी आया है, जिसकी वजह से जो है उनको बनाने में मोटा मोटी अमूमन अगर एवरेज की बात करें तो वो आपको 15 से लेकर 17 मिनट, आप 20 मिनट भी कह सकते हैं, इतने मिनट तक लग रहे थे। ठीक है, इस बार बहुत 3-4 टाइप के ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो कि नए क्वेश्चन हैं। ठीक है, उनका पैटर्न उसी कॉन्सेप्ट पे है लेकिन उसका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा नया था, जिसकी वजह से वो टाइम टेकिंग लग रहा था। बात करें मैथ्स के भी, अगर 2016 और 17 से कंपेयर करें तो मैथ भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था और कुछ नए क्वेश्चन भी आए हुए थे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, इंग्लिश आपके इजी थे, इसमें कोई डाउट नहीं कि इंग्लिश आपके इजी थे, और जीके जो है उसमें करेंट अफेयर्स का बोलबाला बहुत ज्यादा था, क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीजीएल का तैयारी करते हैं वो पहले मतलब कि आपको करंट अफेयर्स का उतना तैयारी नहीं करते हैं, सीएचएसएल हो चाहे सीजीएल हो, लेकिन इस बार करंट अफेयर्स बहुत सारे हैं तो जो लोग करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे तो उनको प्रॉब्लम थोड़ा हो गया है एग्जाम में जीके के दौरान। ठीक है, तो इस बार अगर टोटल अगर बात करें मोटा मोटी तो इजी से लेकर मॉडरेट आए थे आपके। अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। आप देखिए कि 2015, 2016 और 2017 के बाद तीन ईयर का हम लोग कंपेयर करते हैं। 2015 में जहां जनरल की कट ऑफ 119 थी, 2016 में ये बढ़कर आपको 127 हो गया, और फिर यहां से बढ़कर आपका 123 हो गया। तो ये बात भी सच है कि 2016-2017 में तो सीएचएसएल का पेपर था वो वाकई में बहुत इजी था। ठीक है, और आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन पहले जो है वो सीजीएल में नहीं था, एसएससी में था ही नहीं नॉर्मलाइजेशन। इसकी वजह से क्या होता था कि जैसे कि 43 शिफ्ट हुए थे 2017 के टाइम में, या 42 हुए थे अप्रोक्सीमेटली, उसमें से 15 से 20 ऐसे शिफ्ट थे जिसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी क्वेश्चन आए थे, और कुछ ऐसे शिफ्ट थे जो उनसे थोड़ा हाई लेवल पे क्वेश्चन था। तो पहले क्या होता था कि जिस जिस शिफ्ट पे इजी क्वेश्चन आ गया उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाता था, वो कट ऑफ पार कर जाते थे, और किसी एग्जाम में टफ मतलब किसी शिफ्ट में अगर टफ पूछ दिया गया है तो थोड़ा उनके लिए अनफेयर हो जाता था। तो इस चीज को देखते हुए अब नॉर्मलाइजेशन रखा गया है कि अगर आपके शिफ्ट में इजी भी आए तो भी आप एक लेवल के हैं, और अगर हार्ड भी आए तो भी आप एक लेवल में, अगर नॉर्मलाइजेशन अच्छे से कर दिया जाए तो। ठीक है, तो इसीलिए पहला फैक्टर तो ये है कि आपका इस बार कट ऑफ जो है थोड़ा सा एवरेज में रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आपको किसी शिफ्ट के हिसाब से किसी का ज्यादा मार्क्स आ जाए और किसी को कम मार्क्स आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए कि 4 से लेकर और कुछ पेपर थे उसमें जो है थोड़ा सा आपको इजी थे, और उसके बाद धीरे धीरे मैथ्स और रीजनिंग इन सब में कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल दिया गया। ठीक है, तो ये तो निश्चित बात है कि ये भी एक फैक्टर रहेंगे। तो एक चीज तो आप मान लीजिए कि इस कट ऑफ को जो ये कट ऑफ है आपका, ये कट ऑफ के हिसाब से इस बार तो आपका नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आए थे जिसकी वजह से स्टूडेंट को इतना स्कोर आ गया। ठीक है, 16 की बात करें तो यहाँ पे आप कट ऑफ देखिए इस हिसाब से लोगों के आए थे, और अगर 15 की बात करें तो इस हिसाब से लोगों के कट ऑफ आए थे। ठीक है,
अब अगर हम लोग बात करें कि इस बार का फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग एसएससी क्रैकर्स के चैनल की तरफ से जो कट ऑफ है वो क्या रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं बिना हेजिटेशन के कि इस बार जो है देखिए नॉर्मलाइजेशन है तो रॉ स्कोर कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आपको जब आंसर की आएगा उसमें जितने आपके मार्क्स आएंगे उसको देखते हुए जो है आपको कितना सेफ स्कोर है वो चीज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फाइनल जो आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो यहाँ पे दे दिए हैं। तो देखिए यूआर का जो कट ऑफ है ये आपका जिनका भी मैं अगर रॉ स्कोर की बात करूं 120 रॉ स्कोर आपके रहेंगे, ओबीसी के 110 रहेंगे, एससी के 100, एसटी के 90, वीएच के 85, ओएस के 90 और एचएच के 75 रहेंगे। तो जिनका भी इतना स्कोर के लमसम में आ रहा है, ठीक है, रॉ स्कोर में आप प्लस 5 या माइनस 5 आप कर सकते हैं, लेकिन माइनस 5 की तो कम ही चांस है, प्लस में ही अगर आप 3-4 मार्क्स कर दे तो वो अलग बात होगा, लेकिन अगर इस रेंज में आपके स्कोर आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ है, क्योंकि जो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फाइनल कट ऑफ जाएगा वो आपका 130 रहने वाला है, ओबीसी का 124, एससी का 110, एसटी का 100, वीएच का 97, ओएच का 98 और एचएच का 85, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपका इस बार का एक्सपेक्टेड जो है वो कटअप रहने वाला है सीएचएसएल 2018 के लिए। आपकी क्या राय है आप अपना कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में इतना कटअप जाएगा रॉ स्कोर का या आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप का, या आपको लगता है कि इससे भी ज्यादा कटअप जाएगा, ठीक है, आपकी जवाब कॉमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो CHSL का अगर आपका एग्जाम हो गया है तो तैयारी करते रहिए, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।